आज हम बनाने वाले हैं मुंबई स्ट्रीट स्टाइल मिसल पाव। ये महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस रेसिपी है। इसे नाश्ते में लोग बहुत पसंद करते हैं, तो आइए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले गोड़ा मसाला बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, 4 टेबलस्पून साबुत धनिया, 4 टेबलस्पून खसखस, 4 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, 4 टेबलस्पून जीरा लेके हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम यहाँ पे 4 टेबलस्पून सूखा हुआ खोपरा है जिसे हमने खींच लिया था, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हम 4 सूखी लाल मिर्ची डाल रहे हैं, 3 तेज़पत्ते छोटे, 1 दालचीनी, 2 काली इलायची, 4 हरी इलायची, लौंग के 4 से 5 कली डाल देंगे, 2 चक्रफूल, 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने। अब ये सबको अच्छे से हम भून लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ये सबको अच्छे से रोस्ट करना है। 1/2 टीस्पून हींग, 1 टीस्पून हल्दी। अब हम इस सबको अच्छा एक मिक्स देंगे। मीडियम टू स्लो फ्लेम ही हम रखेंगे ताकि मसाले जले नहीं। एक बार हम देख सकते हो हमारे मसाले भून चुके हैं। अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और ये हमारा गोड़ा मसाला रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे मटकी दाल ली है 1 कप, इसे हम कुकर में डाल देंगे। इसमें स्वादानुसार नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल के मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे 2 से 3 कप, अपने हिसाब से आप डालें, और इसे सीटी लगाने रख देंगे। हमें कम से कम 2 से 3 सीटी लगानी है ताकि हमारी दाल गल जाए। हमारी दाल पक रही है, तब तक हम यहाँ पे दूसरे पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे। अब इसमें हम 2 चॉप की हुई प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब यहाँ पे हम 4 से 5 लहसुन की कलियाँ डाल रहे हैं, 1.5 इंच का अदरक डाल रहे हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसमें हम बाकी के मसाले ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और ये सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें टमाटर को पूरी तरीके से गलाना है, इसलिए हम इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और पानी को सूखने तक और टमाटर को गलने तक हम इसे अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से पकाएंगे। अब हमारा टमाटर गल चुका है, इसे प्लेट में निकाल के हम ठंडा होने रख देंगे। यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 कप खिसा हुआ सूखा हुआ खोपरा हम डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा ये खोपरा भून गया है, इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक पैन में 2 टेबलस्पून साबुत धनिया और कश्मीरी लाल मिर्ची ली है 4, जिसे बीच से टुकड़े करके हमने इसे डाल लिया है और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जैसे ये भून जाए, हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम एक मिक्सिंग जार में हमने जो ये मसाले बनाए थे वो सब इसमें डाल लेंगे। अब ये सारे मसालों को हम फाइन पेस्ट में ग्राइंड कर लेंगे। अब हम प्रेशर कुकर खोल लेंगे। हमने 3 सीटी बजाई थी, अब हम प्रेशर कुकर को खोल के चेक करेंगे कि हमारी मटकी दाल गल चुकी है या नहीं। अब हम हाथों से इसे प्रेस करके देखेंगे, आप देख सकते हो हमारी मटकी दाल हो चुकी है। अब हम इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पे हम एक पैन ले लेंगे, उसमें 4 टेबलस्पून ऑयल डाल लेंगे, इसमें हम 1/2 टीस्पून राई डालेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा डालेंगे। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे 4 से 5। अब ये सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें जो पेस्ट हमने ग्राइंड करके रखा था वो इसमें ऐड कर लेंगे।
फ्लेम को हम स्लो रखेंगे। हम ये सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ये मसालों को तब तक भूनते रहना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। हमें इसे कंटिन्यूसली चलाते रहना है। आप देख सकते हो ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें बाकी मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची ली है, वो इसमें ऐड कर देंगे। कश्मीरी लाल मिर्ची से कलर बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हम 1 टेबल स्पून गोड़ा मसाला डालेंगे जो हमने बनाया था। अब ये सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें सारे मसालों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें मटकी दाल डाल देंगे। हमें इसे पानी के साथ ही डालना है। हमें मटके दाल का जो पानी है वो फेंकना नहीं था। अब ये सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें फ्लेम मीडियम रखना है। इसमें जैसी बॉईल आने लगेगा हम इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 1 ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम और 1 ग्लास पानी ऐड कर रहे हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से पानी ऐड करें, क्योंकि मिसल पाव थोड़ा इसकी ग्रेवी पतली रहती है, इसलिए हमने पानी ज़्यादा ऐड किया है। अब हम यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम ये सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक बॉयल आने रहने देंगे। अब फाइनली इसमें बॉईल आ गया है और हमारी जो तरी है वो भी ऊपर आ गई है, यानी कि जो ऑयल है वो ऊपर आ गया है। इसका मतलब है कि हमारा ये मिसल पाव रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। फाइनली हमारा ये मुंबई स्ट्रीट स्टाइल मिसल पाव रेडी हो गया है। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।